दोस्तों नमस्कार, मैं सूर्यकांत आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ भारत एग्री हिंदी यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो कपास उत्पादक किसानों के लिए। मैं आपको बताऊंगा कि कपास में जो प्रमुख कीट आता है गुलाबी सुंडी, जिसे हम पिंक बॉलवर्म कहते हैं, उसको हम किस तरह से नियंत्रित कर सकते हैं, यानी उसके लिए हमें कौन कौन से कीटनाशक का इस्तेमाल करना है। अगर आप कपास उत्पादक किसान हो तो खासकर आपके लिए ये वाला वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए मेरी आपसे एक राय है कि वीडियो अंत तक देखें और वीडियो के आखिर में आपके सुझाव नीचे कमेंट्स बॉक्स में हमें बताना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। गुलाबी सुंडी एक इल्ली है जिसका आकार लगभग 8 से लेकर 9 मिलीमीटर होता है। इसके अंडे अगर देखें तो वो गुलाबी और बैंगनी रंग के होते हैं और वो खासकर जो नए पत्ते होते हैं या फिर जो नई कलियां होती है कपास की, उसके अंदर पाए जाते हैं। इसकी जो इल्ली होती है वो कपास के फूलों के अंदर अंडे देती है, जिसके कारण उसके जो टिंडे होते हैं उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। टिंडे के अंदर ये छेद करके अंदर जाती है और अंदर का भाग जो है पूरा खा जाती है, जिसके कारण जो रुई होती है, जो कपास होती है, उसकी क्वालिटी बहुत ही ख़राब हो जाती है। जो नई कलियाँ है, जो छोटे छोटे टिंडे हैं, उनका गिरना भी शुरू हो जाता है। इसके बारे में आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं। आप सालों से कपास की खेती करते आ रहे हो और आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि जो गुलाबी सुंडी होती है उसका जो उसके जो लक्षण होते हैं, उससे जो नुकसान होता है वो कैसा होता है और कितने हद तक बढ़ सकता है। इसलिए हमें सही समय पर सही तरीके से सही सलाह के साथ इसका कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं आपको खासकर ये बात बताना चाहूँगा कि किसान भाइयों, इसके लिए मात्र कीटनाशक के छिड़काव ये उपाय नहीं है। इसके लिए आपको इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का इस्तेमाल करना या फिर अपने खेत में उपयोग करना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए जानते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट आखिर है क्या। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यानी एक कीट या फिर किसी रोग का शुरुआत से लेकर आखिर तक हर तरीके से कंट्रोल करना, यानी आपको बुवाई से पूर्व ज़मीन की तैयारी होगी या फिर बुवाई की पद्धति, प्लांटेशन का जो स्पेसिंग है, या फिर शुरुआत में उर्वरक प्रबंधन, प्रिवेंटिव मेजर्स में आपको कौन कौन से चीज़ें करनी है, या फिर क्यूरेटिव यानी रोग और कीट आने के बाद, ऐसे हर तरीके से हमें उस और कीट या फिर रोग को शुरुआती अवस्था में या फिर आने से पहले बहुत अच्छी तरह से रोकना होता है। तो चलिए अब जानते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट एक एक कर हमें कौन से उपाय करने हैं चाहिए। सबसे पहला उपाय होता है कि आपको बायो कंट्रोल इसका करना है, यानी बायोलॉजिकल कंट्रोल करना है। इसमें क्या होता है कि इस गुलाबी सुंडी की जो प्राकृतिक दुश्मन होते हैं, दुश्मन कीट होते हैं, उसका उपयोग या फिर उन्हें अपने खेत में छोड़ना होता है। गुलाबी सुंडी के प्राकृतिक दुश्मन कीट के अगर नाम देखें तो ट्रिचोग्रामा चिल्डोरमा या फिर आप ट्रिचोग्रामा ब्रसिकुर, इन कीटों का इस्तेमाल कर सकते हो। इनके बारे में अधिक जानकारी आपको नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र में मिल जाएगी। शुरुआती अवस्था में यानी जब अपनी फसल कली अवस्था में आ जाएगी, उसी समय हमें अपने प्लॉट में फेरोमोन ट्रैप इंस्टॉल करने हैं। आपको 6 फेरोमोन ट्रैप एक एकड़ के हिसाब से अपने प्लॉट में हर जगह बिठाने हैं। इस इल्ली के प्रकोप की शुरुआती अवस्था में आप नीम ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके लिए आपको IFC कंपनी का यानी इंडियन फार्मर कंपनी का 10,000 PPM वाला नीम ऑयल 250 ml 150 लीटर पानी के साथ अपने एक एकड़ फसल के ऊपर छिड़काव के लिए इस्तेमाल करना है। और इसी के साथ हमें डेली खेत की मॉनिटरिंग करनी है, यानी खेत को या फिर अपनी फसल को डेली देखना है कि किस कीट का प्रकोप है, वो कौन सी अवस्था में है या फिर कितनी मात्रा में है। इससे होगा क्या कि आपको पता चलेगा कि कौन से कीटनाशक का या फिर किस चीज़ का इस्तेमाल करना है। चलिए अब बढ़ते हैं आपके पसंदीदा टॉपिक के ऊपर कि कीटनाशक का कौन सा छिड़काव करना है। जी हाँ, मैं आपको यहाँ पर कुछ कीटनाशक के नाम बताऊंगा, उन्हें आपको अदल बदल के अपनी कपास की फसल के ऊपर छिड़काव के लिए इस्तेमाल करना है। पहले नंबर पे आता है सिंजेंटा कंपनी का अलिका कीटनाशक, इसकी इस्तेमाल की मात्रा है 80 ml। या फिर आप धानुका कंपनी का EM1 कीटनाशक भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसकी भी इस्तेमाल की मात्रा है 80 ग्राम। या फिर आप बायर कंपनी के सोलोमन कीटनाशक का इस्तेमाल कर सकते हो, उपयोग की मात्रा है 150 ml। कई सारे किसान सिंजेंटा कंपनी का एम्प्लोगो कीटनाशक भी इस्तेमाल करते हैं, उपयोग की मात्रा है 100 ml। FMC कंपनी का कोराजन भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है, उपयोग की मात्रा है 60 ml। या फिर आप डाउ कंपनी के डेलीगेट कीटनाशक का इस्तेमाल कर सकते हो, उपयोग की मात्रा है 180 ml। किसान भाइयों, अभी जितने भी कीटनाशक मैंने आपको बताया है, ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे कीटनाशक का इस्तेमाल करना है। आवश्यकता अनुसार 2 से लेकर 3 कीटनाशक का अदल बदल के इस्तेमाल करें 8 से लेकर 10 दिन के अंतराल पर। अभी जितने भी मात्रा मैंने बताई वो एक एकड़ के लिए थी और 150 से लेकर 200 लीटर पानी के साथ आप उसका छिड़काव के लिए इस्तेमाल कर सकते हो।
चलिए किसान भाइयों, ये थी गुलाबी सुंडी नियंत्रण के बारे में एक छोटी सी जानकारी। अभी जितने भी प्रोडक्ट मैंने आपको बताए हैं वो सारे प्रोडक्ट आप भारत एग्री ऐप या फिर भारत एग्री कृषि दुकान वेबसाइट से घर बैठे एकदम आराम से ऑर्डर कर सकते हो। वो प्रोडक्ट आपको अगले 4 से लेकर 5 दिनों में 100% कैश ऑन डिलीवरी के साथ मिल जाएंगे, यानी प्रोडक्ट घर तक आएगा उसके बाद आपको पैसे देने हैं। प्रोडक्ट 100% ओरिजिनल है, मेरी गारंटी है, इस्तेमाल करें और खुद विश्वास करें। चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। अभी तक आपने भारत एग्री हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साइड वाले बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिए। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।